तो क्या आपकी बार सर्जिकल स्ट्राइक से सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज एक बार फिर से सेना पर सियासत अपने शबाब पर है। आज से ठीक 2 साल पहले पाकिस्तान की सीमा में घुसकर भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानियों आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यह ऑपरेशन सबसे बड़ा ऑपरेशन था। पाकिस्तान की हद में 3 किलोमीटर तक जाकर जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर पनप रहे आतंकवादियों के करीब जाकर 50 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही उनके कई ठिकानों को तहस नहस कर दिया। सेना के इस शौर्य को सत्ताधारी बीजेपी यानी कि मोदी सरकार अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी मानती है, जबकि कांग्रेस कहती है कि मोदी सरकार सेना के पराक्रम पर ही सियासत कर रही है ताकि 2019 में सत्ता की सीढ़ी चढ़ी जा सके। ऐसे में हम तो सवाल पूछेंगे कि आखिरकार क्या सेना के पराक्रम पर्व को बनाना सियासी पर्व है? यह एक अहम सवाल। मुद्दे की बात का आज का सबसे पहला सवाल भी यही है कि आखिरकार सेना के पराक्रम पर्व को क्या सियासी पर्व मनाया जा रहा है? सवाल यह भी कि 2019 के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या सियासत हो रही है? यह सब 2019 के लिए हो रहा है। सवाल यह भी कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देखकर आखिर खुश क्यों नहीं है विपक्ष? सर्जिकल स्ट्राइक को क्या सत्ता की सीढ़ी बनाया जा रहा है? सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि सेना के शौर्य का सम्मान करने में हर्ज क्या है? और सवाल यह भी कि क्या अब की बात सर्जिकल स्ट्राइक से सरकार। तो चलिए मुद्दे की बात इन्हीं सवालों के। सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2016 पुरी में आतंकी हमले के 10 दिन के भीतर ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस मौके पर बीजेपी अब सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है। बकायदा बीजेपी ने सोशल मीडिया पर सर्जिकल स्ट्राइक की कुछ फुटेज भी शेयर की है। इतना ही नहीं, बीजेपी के ट्विटर हैंडल अकाउंट से शेयर की गई फुटेज के असली होने का दावा भी किया जा रहा है। मोदी सरकार में आम से लेकर खास हर शख्स सेना के वीर पराक्रम पर अपनी राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति का सबूत दिखा रहा है। जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय दे। तो दूसरी तरफ सियासत सवाल पूछने में लगी है कि क्या बीजेपी सेना के पराक्रम पर सियासत कर रही है? कुछ हुआ है मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बतलाया भी नहीं हुआ है। ठीक ठाक हुआ है, विश्वास रखना बहुत ठीक ठाक हुआ है। 2-3 दिन पहले मालूम होगा कुछ लोगों को जरूर हुआ है, और आगे भी देखिएगा क्या होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को कहा था पड़ोसी है गोली, पहली गोली मत चलाना, लेकिन एक भी यदि उधर से चल जाती है तो अपनी गोलियों को फिर गिनना मत कि कितनी हमारी गोलियां चल रही हैं। ये भी निर्देश मैंने दिया। सेना के शौर्य बलिदान और बहादुरी का इस्तेमाल कभी किसी सरकार को भूल कर भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक डे मना रही मोदी सरकार ने अब 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में बंकर तबाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दावा है कि 28 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना के जाबाज जवानों की उस कार्रवाई का एक और ये सबूत है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हमारे सेना के जवानों ने LOC को पार किया और आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया। बेहद शानदार तरीके से अंजाम दिए गए इस ऑपरेशन के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी ने सबूत देकर विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश की, या फिर 2019 से पहले बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक के सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रही है? आज ये सवाल खड़ा हो रहा है।
जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जब अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया तो भारत के सैनिकों ने पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर घुस करके भी पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को नष्ट करने के साथ साथ वहां पर जितने भी आतंकवादी थे उनको मार गिराया। ये भारत के जवानों का, जवान जवानों का शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। अपने आप को प्रधान सेवक कहने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ करें, सेना के हितों पर कुठाराघात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करें और शौर्य और पराक्रम का इस्तेमाल खुद के महिमा मंडन के लिए करें। वैसे ये पहली मर्तबा नहीं जब सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने बीजेपी ने मोदी सरकार की पीठ थपथपाने की कोशिश की हो। वहीं कांग्रेस भी उसकी मंशा पर पहले भी शक जता चुकी है। वैसे कांग्रेस के बयान इससे पहले देश की सियासी सेना के पराक्रम को हल्का करने का प्रयास कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस कोई ऐसा बयान जारी नहीं करना चाहती जिससे उसे ही लेने के देने पड़ जाए। याद होगा आपको कि कांग्रेस के दिग्गजों के बयान जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर देश की सियासत में तूफान खड़ा किया था। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है, और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। देखो, राजनीति राजनीति होनी चाहिए, फौज हम सबकी है, कल को हम में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा, किसी और दल का बनेगा, तो किसी संस्था को जिस पर हम पर गर्व और गौरव है उसे राजनीति में खींचना नहीं। क्या वाकई में सियासत सेना के पराक्रम पर हो रही है? और अगर हो रही है तो इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। मगर सच तो ये भी है, अगर सरकार अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति से देश की रक्षा और सेना का सम्मान करने का संकल्प ले रही है तो फिर इस पर विपक्ष की सोच सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। मगर इस हालात को देख तो लगता यही है कि अब की बार 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक से सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। दया, ये सियासत का नमूना है जो आपने अभी देखा, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार सेना के पराक्रम पर सियासत कर कौन रहा है या कौन नहीं कर रहा है? आपको बता दें, आज हमारे साथ मुद्दे की बात में तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जितेंद्र चौधरी कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे, साथ साथ हमारे साथ राजीव दीक्षित जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, हरीश कक्कर साहब जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल साहब। मेजर साहब, जय हिंद। जय हिंद। सर, कार्यक्रम की शुरुआत की इजाजत आपसे चाहूंगा। ठीक है, इजाजत है सर। राजीव सर, सवाल मेरा आपसे, राजीव जी, जी जी, सेना के पराक्रम पर्व को सियासी बना दिया आप लोगों ने, सियासी पर्व में तब्दील कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि सेना के पराक्रम पर सियासत करें। पहले तो सेना के पराक्रम को मैं सैल्यूट करता हूं। दूसरा, सियासत की कोई बात नहीं जब हमारा विपक्ष ही कहता है कि ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं, आप सबूत दिखाइए। जब विपक्ष को अविश्वास है इन चीजों पर, तो उसको सामने रखने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा, और जनता को ये बताना पड़ेगा कि सेना का क्या पराक्रम है, कितना शौर्य है, कितनी विषम कंडीशंस में वो वहाँ काम करते हैं, और यहाँ पर बैठकर हम लोग सियासत की बातें करते हैं। ये बिल्कुल मतलब नागवार गुजरा कि कांग्रेस आई ने उसका सबूत मांगने की कोशिश करी। सबूत तो 2 साल से मांग रहे हैं, चुनाव से पहले सबूत याद आया आपको? तो नहीं, सबूत पिछले साल भी दिया था, सबूत एक साथ सारे नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके बताया जाएगा जनता को। जी, थोड़ा थोड़ा करके जनता को बताया जाएगा कि सेना ने वास्तव में किन तकलीफों में वहां काम किया है। हम लोग यहाँ बैठ के बातें तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन जो वहाँ काम करते हैं उनसे पूछिए। और पाकिस्तान ने तो अघोषित युद्ध सा छेड़ रखा है। मैं एक शेर के साथ बात कहूंगा कि उम्र गुजार दी
उम्र गुजार दी जन्नत को उजाड़ने पे, और जिहाद इस बात की कि मरने के बाद जन्नत मिले। इस तरीके के पाकिस्तान ने हमारे नवयुवकों का माइंड वॉश किया है और इस तरीके से चीज़ों को अघोषित युद्ध के रूप में लगातार कर रहा है। सेना क्या करे, सेना को तो जवाब देना ही है। देखिए कितने इसके बीच माने, इसका कोई और रास्ता निकल नहीं रहा। बातचीत डायलॉग की बात करी गई, डायलॉग भी नहीं होने दिया। पहले उनसे कहा गया कि वो शांत है, ये जो अघोषित युद्ध बंद करें तो डायलॉग हुआ। ठीक, राजीव जी आपने अपनी बात को रखा, मैं चाहता हूं आप सब लोग एक एक करके अपनी बात को रखो, फिर उसके बाद ये ग्राउंड ओपन हो जाएगा। यहां पर भी वार पलटवार होगा, सर्जिकल स्ट्राइक जिसको करनी हो कर ले, कोई दिक्कत नहीं, जनता खुद तय कर लेगी क्या सच है। मेरा सवाल जितेंद्र चौधरी अब आपसे है, आप तो सबूत मांग रहे थे, अब तो सबूत दे दिए गए, आप खुश क्यों नहीं? आप हमारी सेना ये कारनामे पहले भी करती रही है और आगे भी करती रहेगी, परंतु बीजेपी वाले इस पर जो है राजनीति ना करें, अपनी नाकामियां ना छुपाएं, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये सब कार्य कर रही है। नहीं नहीं, सबूत को देख के आप तो नहीं कहेंगे ना कि फेक है सर्जिकल स्ट्राइक? नहीं नहीं नहीं, कभी भी कोई भी किसी का भी मतलब सेना पे सवाल उठने का मतलब ही नहीं बनता है। मतलब और नहीं बनता? नहीं, जिन्होंने कहा तो उठाया सवाल। सर सर सर, जिन्होंने कहा है उनकी वो निजी राय हो सकती है, परंतु देश की जनता और जो राष्ट्रहित पहले है, राष्ट्र का जो रक्षा का मामला है, जो हमारी सेना पहले भी सक्षम है करने में, अब भी सक्षम है और आगे भी करती रहेगी। जितेंद्र चौधरी आपके यहाँ पता नहीं कितने दशानंद हैं, हर किसी की व्यक्तिगत राय होती है। मणिशंकर अय्यर जाते हैं, उनकी व्यक्तिगत राय हो जाती है पाकिस्तान में। आप लोग सेना पर राजनीति नहीं करते, मगर आपके नेता कहते हैं कि आर्मी चीफ सड़क का गुंडा, डीएमओ कहते हैं कि भैया हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपके नेता पोस्टर छिपवाते और सबूत मांगते हैं देश से कि आखिरकार सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, वीडियो जारी होते हैं। दूसरा शख्स कहता है कि भाई जश्न क्यों मना रहे हैं। सवाल तो ये खड़े होते हैं, साहब आप लोग सियासत नहीं कर रहे तो फिर ये क्या कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं तिलक जी, ये सिर्फ जो है बीजेपी जो है अपनी नाकामी जितनी भी हुई है जो उसके पीछे छुपाने के लिए राजनीति कर रही है। या तो आप मुझे अनपढ़ समझते हैं या आवाम को अनपढ़ समझ रहे हैं? नहीं, मैं आवाम को भी अनपढ़ नहीं समझ रहा, मैं तो सीधा ठोक बजा के बात करने वाला हूं। सर सीधा बात करिए मुझसे, जितेंद्र चौधरी सड़क का गुंडा किसने कहा था? सर मैं सीधी बात कर रहा हूँ, सड़क का गुंडा किसने कहा था? नहीं नहीं, जिसने भी बयान दिया मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं कह रहा हूँ जिसने भी सेना के बारे में शब्द बोलने गलत है। देखो सेना के बारे में किसी को अधिकार नहीं है, हमारी सबूत किसने मांगे थे? पूरे देश की रक्षा करती है, सबूत किसने मांगे थे? नहीं नहीं नहीं, सबूत जो है ये सब सेना नहीं देती, तो अभी सबूत तो पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पहले भी किसी कभी किसी ने सबूत मांगे, आपने उन्हें इकाई का अध्यक्ष बना दिया और उनका प्रमोशन किया, संजय नरूपम साहब का, मालूम है आपको? सर सर वो मैं मुझे सबका पता कौन क्या बयान दे रहा है, परंतु उनका अपना पर्सनल बयान हो सकता है, पार्टी ने उससे किनारा कर लिया था, आपको ये भी ध्यान होगा। सर मैं तो पूछ तो रहा हूँ कितने पर्सनल बयान है आपके, मणिशंकर अय्यर का पार्टी ने पार्टी ने उस समय खंडन कर दिया था, उस बयान से सहमत नहीं थी पार्टी। खंडन करेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, जो गलत बात उसका खंडन कर दिया, क्या दिक्कत है इसमें? खंडन करेंगे, एक और खंडन करिए, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी में काबिलियत है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, आपके लिए प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान वाले, करिए आप। देखो व्यक्तिगत बयान है, मेरी बात सुनिए, दूसरे देश का नेता क्या कह रहा था, उन बयानों से हमें क्या लेना देना, पाकिस्तान के पीछे हमें क्यों जाना, ये बीजेपी की सब चाल है, ये बीजेपी कराती है सारी चीज। अच्छा, पाकिस्तान वालों से डील है बीजेपी वालों की? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी साठगांठ है। और ये 26/11 पर आरएसएस है, ये बयान मालूम है आपको किसने कहा था? चुनाव के सर सर, चुनाव के सामने आते ही ये सब इस तरह की हरकत करते हैं, हमेशा सचेत है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बता दीजिए मैं गलत हूँ तो, 26/11 पर आरएसएस की साजिश है ये बयान किसने दिया था मालूम है आपको? आप ही के ये गणमान्य हैं, ये तो हमें कौन कौन बताइए सर, सभी मैं बताऊंगा, आप तो कांग्रेसी हैं, पता करके नहीं आए? नहीं पता है हमको, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक को बीजेपी के राज में हुई है, पूरे पीछे दो दशकों में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और असली सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने पाकिस्तान की उस समय की थी जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया था। सर
इस देश का ये भी इतिहास है कि हम टेबल पे जो है कई बार हम उसका राजनीतिक लाभ नहीं लेते हैं, हम गुणगान नहीं, हम गुणगान नहीं करते हैं। ये हमारा सेना के, ये हमारी सेना का पराक्रम है, हमें सेना पे गर्व है, ये सेना का कार्य है, उसकी देश की रक्षा के लिए सेना ने किया है, हम उसका राजनीतिक लाभ नहीं लेते। आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं, ये तब उस वक्त सोचना चाहिए जितेंद्र चौधरी आप लोगों को। नहीं, जिसने किया उसके पहले हम खंडन कर रहे हैं, आपके चैनल से भी कर रहे हैं और हमारी पार्टी ने पहले ही खंडन कर चुकी है। सर, आपने प्रमोशन किया उस शख्स का जिसका आप बयान का खंडन कर रहे हैं। एक सेकंड सर, मेजर साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, ये सियासत कर कौन रहा है और कौन नहीं कर रहा? सेना का पराक्रम और उस पर सियासत कौन नहीं कर रहा? सर देखो, पॉलिटिक्स में मेरे को मतलब, पर आपको दोनों तरफ से कहानी सुना दूं। जब जिस समय डीजीएमओ ने क्लियर बयान दिया कि हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक कल रात को करी और ये रिजल्ट है, उसने कोई क्वेश्चन आंसर लिए नहीं, ओपन स्टेटमेंट प्रेस के सामने देकर चल पड़े। सर, अगर उसके बाद कोई डाउट करे कि आर्मी का जनरल अगर झूठ बोल रहा है और अगर आर्मी के जनरल के शब्द के ऊपर अगर उनको सबूत चाहिए, तो इसका मतलब है कि देश की सेना के ऊपर उनका विश्वास नहीं है। सिंपल। अगर सेना के ऑफिसर ने यह जवाब दिया है और यह बता दिया है कि यह हुआ है, आप चुप रहिए। अगर आपने उसके ऊपर शक रखा तो आप देश की सेना के ऊपर शक रख रहे हो। ये याद होना चाहिए कि जो भी पार्टी ये करती है वो ये गलत कार्रवाई है। दूसरी बात, सर्जिकल स्ट्राइक हुए, ये जो अभी हो रहा है इस समय पराक्रम पर, इसके दो तीन कारण है सर। एक ये है कि देश को बताना है कि हमने ये किया है। दूसरा डेफिनेटली ये है कि बीजेपी इसको दिखा रही है 2019 से पहले। और तीसरा एक और कारण है, अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पिछले चंद दिनों के इंटरव्यूज देखोगे टीवी चैनल्स पे, तीसरा ये है कि पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि हमने ये किया है और हम फिर करने को तैयार है अगर आपने कोई गलत कदम उठाया। कारण ये मैसेज देने का इस समय जरूरी है कि ये हो गया अक्टूबर, चंद महीनों के अंदर देश इलेक्शन मोड में जाएगा। उस समय अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई करी तो सरकार रुक नहीं पाएगी, कोई ना कोई वापस रिटेलिएशन जरूर होगा। सर, ये तीन कारण थे सेलिब्रेट करने के लिए। सर, एक अगर बात, अभी एक भी बात। कोई सबूत मांग रहा है, अपने जनरल के ऊपर भरोसे नहीं है, तो वो देश के रहने वाले लोग नहीं है वो। सर, मैं समझ सकता हूँ, आप लोग सरहद पर जाके हम लोगों के लिए, हमारे हिफाजत के लिए आप लोग लड़ते हैं, इसके लिए हम आप लोग को लोगों को सैल्यूट करते हैं। सर, एक बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि 2 साल हो गए सर्जिकल स्ट्राइक को, लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान सुधरा नहीं। क्या ये मान लिया जाए कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? और दूसरी बात ये कि अभी गृह मंत्री ये कहते हैं कि 2-3 दिन पहले कुछ हुआ है, मैं खुलकर नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ किया है हमने, क्या फ्री हैंड देना भी एक हम मान सकते हैं कि सरकार जिस तरह से कह रही कि भाई हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, ये तभी हुआ? सर, अच्छा, आपको अभी ये भी मैं समझा दूं, अगर आप देखो जो पीरियड हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक और अब तक, जी सिचुएशन बहुत कंट्रोल में है। एक छोटा सा अटैक हुआ था नगरोटा में, उसके अलावा वैली से नीचे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। जो भी रहा है वैली के अंदर रहा है, वो वैली के अंदर जो भी रहेगा वो एक इलाका है जहां पे उनका कार्रवाई चलती रहेगी। जब तक साउथ नहीं आए, मुंबई के बाद डिप्लोमेटिक प्रेशर के साथ पॉपुलेटेड सेंटर्स में बंद हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीज फायर वायलेशंस के जवाब देने के बाद काफी मामला अंडर कंट्रोल है। सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन और वैली के अंदर इंसिडेंट्स है जो एक्सेप्टेबल है, और अगर वही कन्फाइंड रहे तो मामला ठीक है। अगर आप सोचते हो कि एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा तो वो गलत विचार है। ठीक है, मैं इसी पॉइंट को उठा रहा हूं, सर। मैं इसी पॉइंट को उठा रहा हूं। अपनी सेना को भी कन्विंस करना है। हाँ जी, ठीक सर, मैं इसी पॉइंट को उठा रहा हूं, आगे मैं आ रहा हूं सर आपके पास दोबारा। राजीव जी, कागज कलम है आपके पास? जी जी, कागज कलम जी, बताइए।
दो साल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कितने सैनिक मारे गए, आंकड़ा है आपके पास? देखिए एक चीज ध्यान रख लीजिए, जैसे हमारे हरीश कक्कड़ जी ने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चूंकि पाकिस्तान की तरफ से अघोषित युद्ध लगातार चल रहा है सर, वो बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 10 साल लाने की बात की, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कितने सैनिक मारे गए हमारे देश के, मैं आपसे आंकड़ा पूछ रहा हूँ 2 साल में। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक बाद काफी सैनिक मारे गए, मैं आपकी बात को वो सर, काफी नहीं, आंकड़ा बताइए ना, कोई ऐसी बात नहीं, आंकड़ा बताइए, आंकड़ा आप ही बता दीजिए कितना है, आप एग्जैक्ट आंकड़ा बताइए सर। मैं आपसे यही पूछ रहा था, 150 सैनिक मारे गए, ये तो जश्न तब मनाते ना आप लोग, आप कहते कि भाई एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे देश की तरफ आंख उठाने की। नहीं देखिए, आप लोग सियासत के लिए, आप लोग अपनी सियासत के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पर जश्न मना रहे हैं, सवाल ये खड़ा हो रहा है। नहीं तिलक जी, हम नहीं 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 तिलक जी, जरा मेरी बात सुनिए, ऐसा कतई नहीं है कि हम किसी की लाशों पर जश्न मनाएं, ऐसा कतई नहीं है, वो हमारे देश के लोग हैं और ये अनंतर चीजें चलती रहेंगी। राजीव दीक्षित, लाश नहीं, सॉरी जी, शहादत, प्लीज शहादत, नहीं नहीं वही शहादत पर, वही नहीं शहादत, उद्देश्य नहीं, शहादत, शहादत, लाश नहीं, शहादत जी जी, प्लीज, किसी की शहादत पर और उनकी लाशों पर हम, सुनिए तो मेरी बात पूरी, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने सैनिकों की शहादत और पाकिस्तान सैनिकों की लाशों पर भी जश्न मनाने का हमारा कतई उद्देश्य नहीं है, हमारा ये कतई उद्देश्य नहीं है कि हम पाकिस्तान सैनिकों की लाशों और अपने सैनिकों की शहादत पर जश्न मनाएं, ये कतई उद्देश्य नहीं है और ये तो बीजेपी की उसमें मूल भावना में ही चीजें नहीं है। हम सर्जिकल स्ट्राइक, हमारे मित्र कांग्रेसी मित्र ने कहा कि हमारे समय पे भी हुई, लेकिन कभी भी जनसंघ ने या उसने कभी भी सबूत नहीं मांगे, ये पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर सबूत मांगा गया है और इनको ये बताना पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा कि सबसे अपनी इनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। मैं इस शेयर्स के माध्यम से बात कहूंगा कि अपनी प्राथमिकता में सबसे पहले देश होना चाहिए, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता, यह संदेश होना चाहिए। मैं कांग्रेसी मित्र से पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने उस समय जो पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक उठाई करी गई है तो क्या सबूत मांगा किसी ने? बिल्कुल नहीं मांगा, लेकिन मैं उन अपने जवानों को सल्यूट करता हूं जो हम लोग को जो सुरक्षा देते हैं और वहां पर इतनी विषम परिस्थितियों में देश सेवा करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि नेताओं को भी साथ, सर जाग जाइए, सवेरा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनसे मेरे ये पूछ रहे हैं आपसे कुछ। हाँ सर, मैं इनकी सुनने बात में फिर इनको जवाब देता हूँ, ये कहना क्या, पूरी बात हो जाने दीजिए पहले। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहूँ कि सारे अभी तो हमारे सैनिक बेचारे वहां जाके जिस हिसाब से सेवा कर रहे हैं देख रहा है सब, बेचारे नहीं कहना चाहते हैं कि बेचारे नहीं, वो देशभक्त हैं, नेताओं को भी वहां पे राजीव दीक्षित, बेचारे नहीं देशभक्त हैं, बेचारे नहीं देशभक्त हैं वो सब। देखो ये बीजेपी जो फर्जी राष्ट्रवाद दिखा रहे हैं, ये वो हमारी शान है, हमारे सैनिकों को कभी हमारा मान है, हमारा शान है, लाश शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कभी बेचारे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे गंभीर मामलों में जहां इतने सैनिक शहीद हो गए, ये मुस्कुरा रहे हैं टीवी चैनल पर, नहीं, नहीं, इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, देखिए कहां मुस्कुरा रहे हैं, नहीं नहीं आपको शर्म नहीं आती, कहां मुस्कुरा रहे हैं आप लोग ऐसी, अरे थोड़ी देर पहले भी हमने देखा आपको मुस्कुराते हो टीवी चैनल पर, आप फर्जी बात नहीं, फर्जी राष्ट्रवाद का झंडा लहरा रहे हैं आप, इतने सैनिक शहीद हो गए, आप जो है ना, आप राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे, और आपने कहा था पाकिस्तान एक मारा कम दस लिखाएंगे, आज पीछे हमारे सैनिक की इतनी बर्बर हत्या कर दी, आप ये कहते हैं हम उनके सैनिकों को लाश नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान के सैनिकों के, अरे हम तो ये कहते हैं, कांग्रेस तो ये कहती है, जो ना माने बातों से उन्हें नातों से समझाने दो, और खून खराबा होता है तो एक बार हो जाने दो, हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, आप ये कह रहे हैं हम उनके सैनिकों की लाशों से नहीं खेलना चाहते, है आपको शर्म नहीं आती टीवी चैनल में बैठ के सब चीजें बोल रहे हैं? जितेन चौधरी नहीं, आप तो एक पहले भाषा जितेन चौधरी, एक सेकंड आप वो रखिए थोड़ा सा, एक सेकंड राजीव सर, एक सेकंड प्लीज जितेन चौधरी जी जी, आप लोग जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं जितेन चौधरी, सवाल ये खड़ा नहीं होता कि देश की सेना को जिस वक्त ये एहसास करवाने की जरूरत है कि भाई पूरा देश आप लोगों के साथ है, आप लोग उस वक्त आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और देश के ऊपर सेना जिस तरह से अपनी मेहनत से अपने कर्म से देश की हिफाजत कर रही है, आप लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं? सर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो सेना पे पूरा देश गर्व कर रहा है, हम भी गर्व कर रहे हैं, सेना जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है,
हम लोगों की हिफाजत सेना करती है। यदि सेना नहीं होती तो हमारी हिफाजत नहीं होती, आज हम आपके स्टूडियो में नहीं बैठे होते। सेना तो वो काम करती है, परंतु इस मुद्दे पर मेरा मानना है राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस हो कर रहे हैं और सेना को घसीट रहे हैं उसमें। नहीं नहीं, मैं तो उनकी बात को बता रहा हूँ। वो मुस्कुरा रहे थे स्टूडियो में, इतना गंभीर मामला चल रहा है हमारे देश की सुरक्षा का मामला। कहाँ चली जाती है कांग्रेस की, क्योंकि जब आप लोग पाकिस्तान जाकर कहते हैं कि सरकार बनवाइए हमारी, आपकी गंभीरता कहाँ चली जाती है उस वक्त जब आप कहते हैं कि आर्मी चीफ गुंडा है? कहाँ चली जाती है उस वक्त आपकी गंभीरता जब ओसामा को ओसामा जी कहा जाता है? कहाँ चली जाती है आपकी गंभीरता? राष्ट्र के मुद्दे पे कभी भी कांग्रेस ने पहले समझौता नहीं किया, ना किया। मैं आपको ये बता दूं, भाजपा सरकार आतंकवादियों के सामने बिल्कुल बेबस है और बुजदिल सरकार रही है 70 साल के इतिहास में। इनसे बुजदिल सरकार कोई नहीं रही है। मैं आपको ये बता दूं, ये भी सच्चाई है, आज की डेट में वहां के जवान, कश्मीर के जवान आज हमारे विरुद्ध हो गए हैं। 4.5 साल में उन्होंने क्या कंट्रोल किया है ये बताएं, इस बात का जवाब। पब्लिक हमारे खिलाफ हो गई जो हमारे फेवर में थी, इन पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा ना। अंदर पाकिस्तान से डेली घुसपैठ हो रही है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। ये कहते थे पाकिस्तान का एक बार अगर हम 10 सिर काट के लाएंगे, अभी हमारे पीछे एक सैनिक की बर्बरता से हत्या करी है। ये लोग कहते हैं हम उनके सैनिकों को मानना नहीं चाहते। अरे हम तो मानना चाहते, मारिए ना, आप क्या मारोगे? हमारी सेना में हिम्मत है, हमारी सेना ने करके दिखाया है और पहले भी किया, अब भी करेगी। ठीक, बदला लेगी हमारी सेना। ठीक है, आपने अपनी बात तो रखी, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं दिया। जब आपको देशभक्त साबित होने का मौका मिला, तब आप लोगों ने इस तरह के बयान देकर सेना के पराक्रम पर ही सवाल उठा दिए। सर, मैं उसी विषय पर आऊंगा। अरे सर, जो ये बातें यहां पर हो रही हैं, उसका मनोबल पर कितना असर पड़ता है सेना के? मैं एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इसी सवाल के साथ आएंगे। और सवाल यह भी कि आखिरकार क्या वाकई में सरकार सेना पर सियासत कर रही है और इसके जरिए सत्ता की सीढ़ियां 2019 में चढ़ने की तैयारी हो रही है? एक छोटा ब्रेक, जल्द हासिल हो रहे हैं। मुद्दे की बात, आज सवाल इसी के साथ कि क्या अब की बार सर्जिकल स्ट्राइक से सरकार? ब्रेक से पहले आपने देखा, एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार। और साथ साथ हमारे साथ जुड़े रिटायर्ड मेजर जनरल हरीश कक्कड़ साहब ने अपनी बात को अपने ही अंदाज से रखा। अपने मेहमानों की तरफ रुक करें, उससे पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं और फिर रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उस पर उंगलियां उठाई गई और कहा गया कि ये सब फर्जी है, प्रायोजित है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी जिम्मेदार नागरिक और दलों के नेता, देश के नेता अगर इस तरह की बात उठाते हैं, अपनी सेना पर अविश्वास करते हैं, तो इसको नादानी के अलावा इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता है। मतलब है कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और वो फौज से नहीं आ सकती। हम तो अपोलिटिकल हैं। इसका मतलब अब मैं यहाँ बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ कि आपको फौजियों के बारे में बताएं कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते और क्या उनके लिए आपको सुनना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल तो ये है कि पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल विल का जिक्र किया यहां पर, सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी जुड़े हैं कांग्रेस की ओर से, लखनऊ से हमारे साथ राजीव दीक्षित जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, हरीश कक्कड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल साहब हैं। सर, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, इस बात को समझना चाहूंगा मैं मेजर साहब आपसे कि जो इस वक्त राजनीति कुछ भी हो, क्या सेना के मनोबल पर इसका असर पड़ता है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि भाई देखिए हमने तो कहा सेना को अगर एक गोली वहां से आए तो आपको यहां से गोलियां नहीं गिननी है? क्या वाकई में, लेकिन इसके दूसरे तर
सियासत सवाल उठाती है, क्या आप लोगों के मनोबल पर असर पड़ता है? पूछते हैं आप लोग कि हम तो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? देखो, जहां तक फौज का सवाल है, खास तौर पे कश्मीर में और जेएनके में, उधर सरकार ने पूरा फ्रीडम दिया हुआ है। जितना फ्रीडम मिलेगा उतना आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा दुश्मन के खिलाफ और मिलिटेंसी के खिलाफ। वापस रिटेलिएट करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। उसलिए दो या तीन बार पिछले चार सालों में पाकिस्तान आगे आया है कि हमें सीज फायर मेंटेन करना है। थोड़े टाइम बाद वो खुद तोड़ देते हैं और उसके बाद उनको फिर जवाब मिलता है तगड़ा, फिर वापस आते हैं। जो मिलिटेंसी जेएनके के अंदर है वो कंट्रोल लेवल पे है। लोकल मिलिटेंट्स ज्वाइन करते हैं, चाहे पैसा के कारण, चाहे जो कारण ज्वाइन करते हैं, या उनको भड़काया जाता है और उनके दिमाग में यही बात आती है कि हमें आजादी मिलेगी। और जो उनको चीफ ने बोला कि आजादी आपको मिलने का सवाल नहीं है, तो ये फर्क पड़ता है, वो ज्वाइन करते हैं और वो धीरे धीरे करके एलिमिनेट होते रहते हैं। ये मिलिटेंसी लेवल जेएनके के अंदर कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक फ्रीडम ऑफ एक्शन है, जब तक आपके ऊपर कोई रुकावट नहीं है कि आप जवाब ना दो तगड़ा, जब आप एक्शन ना लो अपने मन से, तब तक फौज के मनोबल के अंदर बहुत फर्क पड़ता है और उनको कॉन्फिडेंस है कि सरकार हमारे साथ खड़ी होगी। अगर आप रीसेंट केस जो देखो, जो चल रहा है मणिपुर के बारे में, जहां पे 700 अफसर और जवान ने जाके कोर्ट में फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, आज के अखबार के अंदर आया था कि अटॉर्नी जनरल जो प्रेजेंट है वेणुगोपाल और लास्ट अटॉर्नी जनरल, दोनों को सरकार की तरफ से खड़े होके कोर्ट को बोलना पड़ा कि आप ये मामला किसी और कोर्ट में दीजिए और अपने हाथ से निकालिए। तो जब सरकार खड़ी होती है सैनिकों के साथ, उनका मनोबल के ऊपर जरूर फर्क पड़ता है और मजबूत फर्क पड़ता है। सर, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। जी डी बख्शी साहब से मेरी बातचीत हुई थी, मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने कहा कि एक स्थिति कश्मीर की भी है जहां पर सरकार हमारा सहयोग नहीं करती, और अगर सेना कार्रवाई करती है तो फिर उसी पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो सवाल तो वहां भी खड़ा होता है सर। वो जो केस है जो आप बात कर रहे हो, आदित्य का केस, उसके फादर के साथ मेरी तो रेगुलरली बातचीत होती है और उनको जो सपोर्ट मिल रहा है आर्मी की तरफ से, ये है कि उस समय निर्मला सीतारमण ने ही बोला था कि आप FIR लॉन्च करो, और उसके बाद आर्मी की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो भी अभी सर्विंग ऑफिसर है उनके फादर सर, और वो अभी भी कह रहे हैं कि ये सपोर्ट जो हमें मिल रहा है वो बहुत जरूरी है। आदित्य वहां से अब निकल गए अपने यूनिट के साथ, ये केस अभी डिसीजन आना चाहिए चंद दिनों में, और जहां तक मेरा ख्याल है ये आदित्य के सपोर्ट में आएगा और वो डिसीजन को लेके बाकी जगह जहां पे FIR लॉन्च किए जा रहे हैं, फिर वहां सर राजनीतिक मजबूरी दूसरी हो जाती है ना सर। अगर हम कश्मीर के मसले में बताते हैं तो वहां हमारी राजनीतिक मजबूरी दूसरी हो जाती है, फिर हम नहीं सोचते कि हमारी सेना के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, वो सियासत की अपनी एक मजबूरी हो जाती है। सही है आपकी, उस वक्त सेना के मनोबल का नहीं। आपने सही बोला सर। एक सेकंड सर, मैं आता हूं सर आपके पास, क्योंकि आप काफी महत्वपूर्ण और बहुत बारीकी से अपनी बातों को रख रहे हैं। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये जी, कि आपने कहा पराक्रम, हमने पराक्रम पर मना रहे हैं, इससे कांग्रेस कहीं ना कहीं सवाल उठा रही। मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि आपने सम्मानित तो किया होगा उन लोगों को जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की। राजीव जी, आवाज चली गई होगी उम्मीद करता हूं। जी, बताइए, आ रही है सर। मैंने कहा आप लोगों ने सम्मानित तो किया होगा जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की। जी, किस तरह से सम्मानित किया, कौन से चयन बताएंगे आप? देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने सेना के कार्य में कतई दखलंदाजी नहीं करी है और सेना को खुली छूट दे रखी है। जो उनका काम है वो कर रहे हैं भली भांति, और उनको पूरी छूट दे रखी है, और कोई भी हम लोग का इंटरफेरेंस हमारी सरकार का सेना के लिए नहीं है सर। सबूत दे रहे हैं ना आप लोग? जैसा हमने तो देशवासियों ने, किसी ने आपसे सबूत तो नहीं मांगा, हमने तो सेना का पराक्रम देखा। अगर सेना ये बोलती है कि हमने
वहां पर 10 सर मारे तो हम मानेंगे, हम मानते हैं। जी जी जी, ये हमारी अपनी सोच, अपना नजरिया। हम जानते हैं कि हमारी सेना सच्ची देशभक्त है। अब आपकी बारी। जी जी जी, आवाज नहीं आ रही भाई। आवाज चली गई सर, छूट गई, कट गई सर। सुनिए, जो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन है, मैं एक अंदाजे से बोल रहा हूँ। आपने पूछा कि सेना का सम्मान किया है कि नहीं किया। आप देखिए, सेना का पूरा सम्मान हुआ है। मेजर गोगोई को सम्मानित किया गया है, आपने देखा, जबकि वहां जो है कांग्रेस राजनीति कर रही थी। हमने जिसने भी इस प्रकार का एक्ट किया है, जिसने भी देशभक्त के रूप में एक्ट किया है, उसको सम्मानित करने की कोशिश पूरी करी है, और उसका एक उदाहरण भी आपको दिया है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सेना को, अरे कोशिश क्या की है भाई, उदाहरण दे दिया है। आप तो एक शब्द पे पकड़ रहे हैं, कोशिश करिए। मतलब हम लोग पूरा सेना का सम्मान करते हैं, और जिसने सेना में अच्छा काम किया उसको बड़ा एहसान कर रहे हो आप, से किसी रूप में बड़ा एहसान जता रहे हो आप। तो सुनिए, आपने किया क्या जितेन चौधरी, आप बीच में क्यों बोले? जितेन चौधरी आपने किया क्या, आपने जो किया आप गिनवाइए अपनी सरकार का। सर, आर्मी चीफ को अभी भी कहेंगे कि गुंडा है? नहीं नहीं, सेना का हमेशा कांग्रेस सम्मान करती है। आप बता दीजिए, मैंने उनसे पूछा, आप बता दीजिए, जो उन्होंने सम्मान किया वो मैं बता देता हूँ नाम के साथ। आप बता दीजिए, आप बताएंगे किसको मिला सर? कीर्ति चक्र किसको मिला सर? मैं बता रहा हूँ, बताइए फिर। सर मैं बता तो रहा हूँ, हमारे राज्य में सेना को हर 15 अगस्त 26 जनवरी जितने प्रोग्राम होते हैं आपने देखा होगा, कितना सम्मान करते हैं हम जितने सैनिक हैं। आपके राज्य में तो सरकार बनी नहीं है, ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाते नहीं है आप लोगों को। ये तो अपनी सरकार, अपनी सत्ता चलाते हैं, आप लोगों की सलाह तो लेते नहीं है, कहाँ सम्मान करते हैं। मैं वही तो पूछ रहा था, यहाँ सेना के सम्मान की बात है, शासन की बात है। मैं वही तो पूछ रहा था, आप कह रहे हैं कि कहाँ करते हैं सम्मान, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने किया तो आप बता दीजिए। नहीं सर, मैं तो ये बता देता हूँ, बीजेपी वाले जो है आतंकवादियों को कांधार छोड़ने गए थे, ये तो दाऊद इब्राहिम को वापस ला रहे थे, हाफिज सईद को मार रहे थे, बीजेपी वाले कांग्रेस क्या नाम कंधार छोड़ने गए थे। आप उस समय की स्थितियां देखते, क्या हम जहाज के सारे उनको मरवा देते? वो हमारी नीयत बिल्कुल सही थी, हमें देशवासियों को बचाना था। उस समय वो निर्णय ऐसा लिया गया है देशवासियों को बचाने के लिए, हम कंधार छोड़ने गए मतलब हम मिले हुए उनसे। ये गलत आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए इन चीजों में। अरे अब कश्मीर में जो एसपीओ वगैरह जो है राइफल ले लेके भाग रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार है बताना जरा। क्या बात कर रहे हैं अभी 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 जब भाई पीछे अभी जब अभी जब सेना कार्रवाई करेगी जितेन चौधरी, आप लोग यहां बैठकर आंसू बहाएंगे? नहीं नहीं, हम आंसू बहाएंगे। देखिए सेना ने कार्रवाई कर दी, आप लोग यहीं बैठकर आंसू बहाएंगे। सर मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी की 4.5 साल से सरकार चल रही है, पत्थरबाज पत्थर फेंक रहे हैं और सेना खड़ी रहती है, किसके आदेश पे हो रहा है? आप बताइए, सेना चुप क्यों रहेगी? यदि सेना को खुले आदेश दे दिए जाए तो कोई वहां पत्थर फेंक जाए? किसी में हिम्मत है वहां पे जम्मू कश्मीर में कोई पत्थर फेंक जाए या सैनिक के ऊपर हाथ उठा जाए? और अगर आज हमारी सेना के फारूक अब्दुल्ला वहां पर रहकर सवाल उठाएंगे तो आपको उनके साथ आंसू बहाने पड़ेंगे, फिर उन्हीं के लिए पत्थर चला रहे होंगे। फारूक अब्दुल्ला कोई हमारी पार्टी से नहीं है, मैं आपको बता दूं, एनसीपी चलाते हैं। ये काम बीजेपी का पक्ष विपक्ष कैसे सहमत कर एक साथ एक सेकंड राजीव जी अपनी बात रखिए। जी इन्होंने कहा कि सेना को खुली आजादी देते हैं, पत्थर मारते हैं वहां वो लोग, इनकी भी सरकार रही, क्या इन्होंने खुली आजादी दी है? ये प्रॉब्लम तो 1989 से भयंकर रूप ले चुकी है, बल्कि हमने तो कारगिल में उनको धूल चटा दी है। हाँ बिल्कुल, हमारी सेना ने कारगिल में उनको धूल चटा दी, और इनकी भी सरकार रही, इन्होंने खुली आजादी दे दी होती, दूसरे पे आरोप लगाना बहुत आसान है। आप भी रहे हैं उसमें, आपने आपको ये पता नहीं है मेरे भाई, कारगिल में दूसरे देश की सेना घुसाई, हमारे कितने सैनिक आपने जवान करा दिए। आप कह रहे कारगिल की बात है, राजनीतिक लाभ फायदा उठाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं आप? आप तथ्यों पे बात रखिए, सुनिए। अरे हमको कुछ नहीं पता, आपको सारा पता है, और इसी तरीके से आप सबूत मांगते रहेंगे, इसी तरीके से हम सबूत नहीं मांग रहे आपसे। ठीक है, आपको सरकार को यही पता नहीं है चाइना की, कभी हमारी सीमा में घुस जाते हैं चाइना, कभी पाकिस्तान में आ जाते हैं। एक सेकंड जितेन जी, एक सेकंड, इस समय तो कांग्रेस आई को साथ में खड़ा होना चाहिए, सत्ता या सियासत की जरूरत नहीं है। एक सेकंड जब आपको मौका मिला वो काम नहीं किया। एक सेकंड जितेन चौधरी, एक सेकंड जितेन चौधरी, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब आपके नेताओं ने सबूत मांगे, सबूत सामने आए तो आप लोगों ने कहा ये सियासत कर रहे हैं,
दूसरी बार सबूत इन्होंने जारी किए, आप लोग कह रहे हैं कि 2019 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग खुश कहां होंगे? नहीं, हमें तो कोई दुखी दुख वाली बात नहीं है, परंतु ये इस पे राजनीतिक अपनी नाकामियां छुपाने के चार सालों जो कार्य नहीं किए, देखो रुपया की कीमत कहां चली गई है ना, इनके रूप आज जो है आर्थिक रूप से आर्थिक भी हमारी खराब स्थिति खराब है देश की। बात हिंदुस्तान की होती है, आप लोग पाकिस्तान में जाके समर्थन मांगने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, यही प्रॉब्लम है, रुपया हमारा दिन पे दिन गिरता जा रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। मैं हरीश सर के पास जाऊं एक बार फिर से, राजीव सर कागज कलम है तो नाम नोट करिए, आपके आगे काम आएगा भविष्य में जहां डिबेट होगी। मेजर रोहित सूरी, कर्नल कपिल यादव, कर्नल हरप्रीत सिंधु कीर्ति चक्र और योद्धा मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है सर, अगर कोई आपसे पूछेगा तो भविष्य में बता दीजिएगा कि हमने ऐसे सम्मानित किया उनको। ठीक, अब सीधा हरीश सर, मैं आपके सुख सवालों के जवाब चाहूंगा। ये सेना का मनोबल गिराने की कोशिश नहीं, ये प्रयास नहीं कि देश के बाहर जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है, समर्थन तक मांगा जाता है, और दूसरी तरफ सेना उन्हीं से युद्ध लड़ रही है। सर देखो, जहां तक सेना का सवाल है, वो अपना काम कर रही है देश के अंदर। जो पॉलिटिक्स का मामला है, चाहे वोट के लिए जहां से समर्थन ले, हमारी बेसिक पॉलिसी है अपॉलिटिकल रहना। जो सरकार आएगी सेंटर में, सरकार को सपोर्ट किया जाएगा। पर आजकल कोई सैनिक नहीं है जो न्यूज नहीं पढ़ता, जो टीवी नहीं देखता और जो पॉलिटिकली अवेयर नहीं है। जी, पॉलिसी एक है, इंडिविजुअल एक है। अगर कोई कमेंट बाहर से आता है, खास तौर पे दुश्मन देश से, जी, तो सैनिक के अंदर जरूर कोई ना कोई फीलिंग आएगी कि ये गलत है, जिसके साथ वो दिन भर 24 घंटे लड़ रहा है। अगर वो कोई इंडिया के बारे में पॉलिटिकल कमेंट दे और हर पार्टी मिलके उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन ना रेज करे, तो जरूर उसको अच्छा नहीं लगेगा, और ये फैक्ट है। सर मैंने ये बात इसलिए आपसे पूछी है कि हम देखते हैं अक्सर कि ये भले ही पीठ थपथपाए सरकारें, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो यूपीए सरकार हो या फिर वो मोदी सरकार हो, सेना का बजट देखते हैं तो सेना का बजट आपको मालूम है कि सबसे कम है इस वक्त, और दूसरी तरफ हमारे सेना के जवान बताते हैं कि देखिए सर, पैरों में जूते नहीं है ढंग से, हथियार हमारे पास ढंग के नहीं है, वर्दी हम जो पहन रहे हैं वो वर्दी पहनने लायक नहीं है उस वक्त। तो ये स्थिति से भी तो जूझना है हमें, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि भैया हमने सेना का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया और इसलिए हमें दोबारा सत्ता में लाया जाए? देखो, अगर आप कहोगे सेना का मनोबल के लिए, तो कोई सरकार ने आज तक एक सही डिसीजन नहीं लिया। एक जवान का मनोबल तब सबसे ऊंचा रहता है जब उसका परिवार जो पीछे है उसकी देखभाल हो। अगर उसके परिवार के ऊपर, जमीन के ऊपर हमला हो या जमीन छीनने की कोशिश हो या परिवार को तंग किया जाए, तो कोई सैनिक कभी जिंदगी में खुश नहीं होगा। ये आज तक कोई सरकार नहीं है जिसने ये सीधा आदेश निकाला है कि सैनिक के परिवार का देखभाल रखना स्टेट की जिम्मेवारी है और सरकारी ऑफिशियल्स की जिम्मेवारी है। वो कम कपड़े से लड़ लेगा, कम हथियार से लड़ लेगा, पर अगर उसका परिवार तंग किया जा रहा है पीछे, और अगर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल उसको मदद करने के लिए आगे खड़े नहीं है, तो उसका मोरल कभी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है सर, मैं इसी पॉइंट को उठा रहा हूँ। जितेंद्र चौधरी, आपने तमाम सवाल सरकार पर उठा लिए, यूपीए सरकार का हिसाब किताब भी देने की कोशिश की, वो कितना कामयाब हुए वो जनता तय करेगी। इनकी पीठ कम से कम इस बात को लेकर तो थपथपा दीजिए, वन रैंक वन पेंशन को लेकर ये कहते हैं कि भैया हमने कर दिया जो आप नहीं कर पाए, या अपने गुड बुक में जोड़ चुके हैं वन रैंक वन पेंशन का। नहीं, बिल्कुल अच्छा कदम है, हमारे जो सैनिक है उनके लिए अच्छा कदम है, तो हम अच्छा बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा कार्य किया है और सैनिकों को इसका लाभ मिलना चाहिए। जैसे हमारे अभी रिटायर्ड जनरल साहब कह रहे थे, अब सैनिकों के रख रखाव के लिए
तो सरकारें कोशिश करती रही है, पीछे भी सरकारें कोशिश करती रही, इन्होंने भी किया और करते रहना चाहिए। आगे भी मैंने आपसे पूछा, आप मेरा सीधा सवाल ये, मैं सुनना चाह रहा था आपसे, आगे भी प्रयास करते रहना चाहिए। आप लोगों के आपसी लड़ाई में, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एनडीए हो, यूपीए हो, सेना का अपमान क्यों करते हैं आप लोग? सर मैंने कोई सेना का अपमान नहीं किया, मैं तो ये कह रहा हूँ यदि मोदी सरकार ने भी सैनिकों के लिए कुछ अच्छे कार्य किए हैं तो उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। आप लोग सेना का अपमान क्यों करते हैं, मेरा सवाल सीधा था। हमने कभी कोई अपमान सेना का नहीं किया। मैंने आपको 3-4 उदाहरण दिए बड़े बड़े। नहीं, एक और उदाहरण दूं सर, कांग्रेस उसका पहले ही खंडन कर चुकी है और कांग्रेस कहां का खंडन करेगी? जहां जहां देश के टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगे, वहां पार्टी के अध्यक्ष खड़े होकर उनका सपोर्ट करें, ये आरोप तो आपकी पार्टी पे भी लगे। नहीं, आरोप लगे मैं ये कह रहा हूँ लगाने वाले बीजेपी वाले, परंतु मुझे इनसे ये भी पूछो, वो जो इंशाल्लाह कर रहे थे वो आज तक पकड़े क्यों नहीं गए? ये बीजेपी वाले से पूछो कहाँ गए? हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इनको पकड़ लेना चाहिए। हमने कहा मना किया पकड़ने के लिए, उनको जेल में डालना चाहिए। ठीक है, आज तक ये ढूंढ नहीं पाए 4.5 साल में। अब करना क्या चाहिए इनको? नहीं, बिल्कुल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, सेना को खुली छूट दे देनी चाहिए। लेकिन सिद्धू जी तो पाकिस्तान चले जाते हैं। यदि हमारा एक सैनिक मारा जाए तो पाकिस्तान चले जाते हैं। जितेंद्र चौधरी सैनिक मारे जाए, जितेंद्र चौधरी वो तो पाकिस्तान की पिच पर जाकर जो है बल्लेबाजी करके आ जाते हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता? ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी बिरयानी खाते हैं और सिद्धू जी गले मिलते हैं। नहीं नहीं, देखो सिद्धू जी ने अपना स्पष्ट कर दिया आके, वो जो है वो भी व्यक्तिगत है, बोलिए वो भी व्यक्तिगत है। नहीं नहीं, व्यक्तिगत नहीं है वो, सरकार से इजाजत लेते हैं। मणिशंकर व्यक्तिगत है, संजय जरूपा व्यक्तिगत है, दिग्विजय सिंह व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत नहीं, सरकार से व्यक्तिगत है और आप सरकार से इजाजत है। सर सरकार से इजाजत लेकर कौन सा उन्होंने गलत कार्य किया वहां जाके? कोई गलत कार्य? राजीव जी ये कहते हैं कि भैया आप पाकिस्तान पाकिस्तान कहते हैं, खीर उनकी खा के आते हैं और सिद्धू जी चले जाएं तो आप लोग सवाल उठाते हैं। देखिए ऐसा है, जब सरकार बनी थी नई, देखिए उस समय सिचुएशन, और ये लोग सिचुएशन को नहीं देखते, इस समय तनाव भरा सिचुएशन इतने मारे जाए, उस समय सरकार बनी थी और मोदी जी जो है एक शिष्टाचार के नाते गए थे, ये नहीं कि क्या नाम दुश्मन से गले मिलने गए थे, ऐसा कतई हरगिज नहीं है। उन्होंने उनकी माँ को शॉल भेंट करी शिष्टाचार के नाते, तो शिष्टाचार भी कोई चीज है ना, इनका तो सवाल उठाना ही है, विपक्षी पार्टियों का ये काम ही होता है कि सवाल उठाना, लेकिन वो शिष्टाचार था। अगर सिद्धू जी बीजेपी में रहते तो हरगिज ना जा पाते, और इमरान खान ने 3 और खिलाड़ियों को न्योता भेजा था, वो नहीं गए, वो किसी ना किसी रूप से कन्नी काट के निकल गए, लेकिन सिद्धू जी वहां पहुंच के गले मिल रहे हैं। तो और इस समय हमारे यहाँ 2 साल से 2.5 साल से 3 साल से कितनी अराजकता, मोदी जी तो पैर छू गए थे नवाज शरीफ की मदर के, आपको शर्म नहीं आ रही? अरे भैया गला मिलना अपराध है, पैर छूना अपराध नहीं है दुश्मनों से? अरे आपको दुश्मनाई रखनी है तो पैर क्यों छुए दुश्मन के जाकर? आप लोग ऐसे ही हैं, भाषा का नहीं बताइए ना, भाषा नहीं इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई आपके पास शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी नवाज शरीफ से बुलाते हैं, नहीं आ रही है जब आपको याद नहीं है? नहीं, आपके पास जवाब नहीं होता तो आप नहीं आती, ये नहीं आती, ये पाकिस्तान में आप लोग प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, जब कहा आपकी हर चीज की एक जब कहा आपका हर चीज की एक कार्यशैली है हमारे यहाँ जितेंद्र जी, हर चीज की कार्यशैली, ऐसा नहीं है कि जो मन में आया सो कर दिया, हर चीज की कार्यशैली है, हर चीज की चीजें नियत है। आप चाउमीन खाते घूमो, चीज खाते घूमो, हमारा कोई चला जाए गले मिल जाए तो वो अपराध हो गया? एक सेकंड, तुम जो कर रहे हो वो सही है? एक सेकंड जितेंद्र चौधरी, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप कार्यक्रम खत्म होने वाला है, समय खत्म हो गया है। एक सेकंड जी, मैं एक एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा, उम्मीद करूंगा कि बीच में टोका टाकी नहीं, अपनी बात को संयम के साथ रखिएगा। जितेंद्र चौधरी, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत अब आप लोगों ने देख लिया, अब तो खुश हैं आप लोग, अब तो नहीं कहेंगे ये झूठे हैं? नहीं, हम सर्जिकल स्ट्राइक, हम सेना ने जो कार्रवाई की उससे खुश है और हमारा पूरा देश खुश है, देश की एक एक जनता 130 करोड़ जनसंख्या खुश है, और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। मैंने आपको पहले बता दिया, कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं वहां पर, किसान जो सीमा पे हैं उनको काम नहीं होने करने दिया जा रहा, वो बेचारे परिवार भूखे मरने के कगार पे बैठे हैं। सख्त कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए और सरकार के हम साथ हैं, सख्त कार्रवाई करती है, हम कोई बाहर नहीं है, देश हमारा पहले। अच्छा ये तो कहते थे कि हम 10 सर लेकर आएंगे एक की जगह, आप लोग सत्ता में आएंगे तो कितने सर लेकर आएंगे?
नहीं, हमारे समय में इतनी जो घुसपैठ हुई है, जितने सैनिक मारे गए हैं, ऐसा नहीं है इनके चार साल में जो आतंकवादी घुसपैठ ज़्यादा बढ़ी है, और जो है आज की डेट में आतंकवादियों के लॉन्च पैड वहीं है, 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर, ये तबाह नहीं कर पा रहे। एक सेकंड राजीव दीक्षित, सर्जिकल स्ट्राइक को क्या सत्ता की सीढ़ी बनाया जा रहा है, और क्या अब की बार सर्जिकल स्ट्राइक से ही बनेगी मोदी सरकार? फाइनल कमेंट। नहीं नहीं, ऐसा कतई नहीं है कि सत्ता की सीढ़ी बनाया जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत इसलिए सामने दिए जा रहे हैं कि भविष्य में हमारी विपक्षी पार्टी भविष्य में कभी भी उंगली ना उठा सके सेना के पराक्रम पर, सेना पे ऐसा, और सत्ता की सीढ़ी का इसका कोई इरादा नहीं है। आप जो लाभ लेते हो उस पर उंगली उठाते हैं क्या? सेना के चौधरी, सेना के शौर्य का सम्मान करना सियासत है, हर्ज है आपको इस पे? नहीं, सम्मान करने में कोई बुराई नहीं है, उसका राजनीतिक लाभ लेते हैं लोग। नहीं नहीं, आप चुनाव आप बताइए ना, अगर मनमोहन सिंह जाते हैं सरहद पर प्रधानमंत्री होते हुए, तो क्या ये सियासत थी? मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। मैं सरहद पर पूछ रहा हूँ सर, आप बुलाए चले जाते हैं, आप फिर पाकिस्तान पर आ रहे हैं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, सेना के शौर्य को सम्मान देना आपको हर्ष क्यों है इस पर? नहीं, बहुत बिल्कुल खुशी है, पूरे देश को खुशी है इस पर, सम्मान दे तो सही, सेना को देना चाहिए सम्मान, वो हकदार है, वो हमारे देश की पूरी जनसंख्या की वो सेवा करती है और सुरक्षा करती है, जिससे आज हम सुरक्षित हैं, देश में सुरक्षित बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। स्टैंड क्लियर करिए। स्टैंड बिल्कुल क्लियर है सर, स्टैंड क्लियर करिए, ये दिक्कत आ जाती है। नहीं बिल्कुल स्टैंड क्लियर है हमारा, सेना का सम्मान होना चाहिए। जितेंद्र चौधरी, ऐसा ना हो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल को कोई कांग्रेस का नेता ये बोले कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था। नहीं नहीं, हमारे बयान को कोई व्यक्तिगत नहीं बोलेगा, हाँ, जो हम कह रहे हैं वो सही है। हाँ, और जो दिग्विजय सिंह कहते हैं वो गलत है, जो संजय निरुपम कहते हैं वो गलत है, जो संदीप दीक्षित कहते हैं वो गलत है, और जो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाते हैं वो भी गलत है, जो जितेंद्र चौधरी कहते हैं वही सही है। नहीं, उसका कांग्रेस ने पहले खंडन कर दिया, एक बार कल को आपका खंडन हो। फाइनल कमेंट हरीश सर मेरा आपसे, अब क्या वाकई में जो देश महसूस कर रहा है इस हालात में, सियासत से हटके मैं पूछ रहा हूँ, एक और सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, हाँ या ना, और क्यों? सर्जिकल स्ट्राइक एक ऑप्शन है, आपके पास और बहुत कुछ है, जो आपने एक बार किया आप उसको दूसरी बार नहीं रिपीट करोगे, अगर आपको जरूरी पड़े तो कुछ और करोगे, तो आप बहुत ऑप्शंस हैं, आप क्यों एक ही शब्द लेके जा रहे हो सर्जिकल स्ट्राइक? ये 5-6 ऑप्शन में से एक है सर, जैसे कि, और जो अगर करना होगा सिचुएशन देख के जरूर कोई ना कोई रिएक्शन करेंगे। ठीक, फिलहाल आपको मैसेज मिल गया है, वो बहुत जरूरी था। फिलहाल एक्शन का जो रिएक्शन हो रहा है आप उससे खुश हैं? कौन सा एक्शन का रिएक्शन सर? जो वहां से जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और उसका जवाब हम लोग दे रहे हैं, आप संतुष्ट है उससे? हाँ, बहुत खुश है, क्योंकि सही जवाब दे रहे हैं। इतना है कि जो आप लोग के पास प्रेस में आ रहा है और जो ग्राउंड की रियलिटी है उसमें काफी फर्क है। ठीक सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरीश सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजीव दीक्षित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र चौधरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात यह है कि अगर इस पर सियासत हो रही है तो सियासत वाजिब नहीं, लेकिन सवाल यह है कि इतिहास के पन्नों में यह भी देखा जाए कि आखिरकार सेना पर सियासत कब नहीं हुई है। मुद्दे की बात में मेरे साथ इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।